अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के फजल करम रहमत और अपनी माँ की दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की इफ्तारी में बन रही है बिरयानी, और वो हमारे इस पोर्शन तक जो होता है पहुँची है। अभी समझ लें कि मैं अभी चिकन को ही अच्छी तरह से ना थोड़ा सा रेड करने की मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाए, और फिर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, मसाले, योगर्ट वगैरह। और राइस हमारे बॉयल हो चुके हैं, सारी चीज़ें रेडी हैं, और बिरयानी पैकेट डलेगा ये वाला। इसका अपना ही एक अच्छा सा टेस्ट होता है, ये डाल लेना चाहिए। और ग्रीन चिली है ये ग्राइंड की हुई, इसका भी बड़ा अच्छा मज़े का जायका। तो ये हमने मसाला डाल लिया, इसको दही में ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो अब इसको डालेंगे हम सेब अंदर। जी, तो अब ये हमने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया करारी सी करके। बिरयानी इंशाल्लाह तैयार करेंगे। जी, ये है ग्रीन चिली। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है, माशाल्लाह। रोज़ा खोल के दिल चाहता है कि ज़रा अच्छी अच्छी करारी करारी चीज़ें हों। तो हो रही स्टडी, ठीक है ना? हो रही है ना? और कुकिंग, दूध बॉयल हो रहा है, और बिरयानी हमारी तकरीबन कंप्लीशन पर जा रही है भूनने के। तो मैंने उसमें से बिरयानी इस कढ़ाई में शिफ्ट कर ली है, और ये आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त प्यारी लुक है, और कितना मज़े का इसका टेस्ट आया है, माशाल्लाह। गुड ना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसी बिरयानी बनाई। गर्मी शदीद है, और इस गर्मी में रोज़े के साथ किचन में काम करना बहुत मुश्किल है। वो बिरयानी पड़ी है जो अभी मैंने बनाई है। तो इसने बिरयानी चख भी ली है, और ये बताएगी कि कैसी लग रही है बिरयानी। सही से बोलो ना, बहुत अच्छी बनी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। व्यूअर्स, तो इस वक्त हम मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, और साथ में रोजे की अफ्तारी की तैयारी हो रही है। सारे आके बैठ रहे हैं, वो बैठ चुके हुए हैं। एसएस के आ गया, बैठ चुके हैं अफ्तारी के लिए। माशाल्लाह से अब हम अफ्तार करेंगे रोज़ा। बिरयानी बड़ी हुई है। ये कहाँ पे जा रहे हैं इसका?
में तो फूल इस वक्त सजी पड़ी हैं। अब मुझे लगता है रोजे के बाद रश होना शुरू होता है बाजार में, है ना? ये क्या बन रहा है इसका? अच्छा, बस आज काफी दिन के बाद बाहर निकले हैं। तो आज हम बच्चों को लेके गए हैं पार्क में, और ये अब्दुल हादी को देखें ज़रा, झूलों पे बैठ के कितना खुश हो रहा है। बाय बाय मेरा बेबी, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो अब अब्दुल हादी बैठा है अर्तगुल के घोड़े पे, जो कि इसका सबसे फेवरेट एनिमल है, और कितना खुश हो रहा है। अब ये एक और नए स्टाइल वाले घोड़े पे बैठा है और एक घोड़े से उतरता है और दूसरे पे बैठ जाता है, क्योंकि ये इसका फेवरेट है इसलिए, और इतना मासूम बन के बैठा हुआ है। और ये हैं अब्दुल हादी के बाबा, और बाबा हेलीकॉप्टर चला रहे हैं अपने प्यारे से बेटे के लिए, और वो कितना प्यारा लग रहा है। और बाबा कोशिश कर रहे हैं कि इसका कॉइन कहाँ से डलता है डल जाए और ये चल जाए और अब्दुल हादी इसका मज़ा ले। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 जी। तो ट्रेन के हवाले से बहुत से सॉन्ग बने हुए हैं जो कि मैंने अभी गुनगुनाया भी है। जी व्यूअर्स, तो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।